अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप? अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मान और सेहत की आप रखे और सबको आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ो मालूम रखे। एक नई रेसिपी के साथ मीठे टोस्ट बनाने जा रही हूँ, चलती है अब रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने अग लिया, 2 अग आपने डालने इसमें। और आधा मग आपने दूध का डालना, अपने हिसाब के मुताबिक इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। और इसमें 2 चम्मच चीनी के डालना, बार बार के 2 बड़े वाले चम्मच खाने वाले जो है ना वो चीनी के डालना। अब इसको अच्छी तरह फैल लेना, जिसमें अंडे जो है ना और दूध और चीनी जब जान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे को अच्छी तरह फैल लिया, इस तरह ये 4 पीस लिए। इसको ऐसे करना, ऐसे पलट के सबको इसके ऊपर माशाल्लाह तह लगा ले इसकी ऐसे। दूसरी साइड पर चूल्हा ऑन किया और पैन ऊपर रखा, 2 चम्मच देसी घी डाला। इसको अच्छे तरीके से गर्म करके और इनको ऐसे ही इस तरह रख देना ऊपर। आँच ज़रा हल्की रखो, थोड़ा सा बचा है जो इसके ऊपर डाल दो और चारों तरफ से इसको हल्की आँच पे तल लेना। और इसी तरह 1 मिनट के बाद दूसरी साइड तब्दील कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके बच्चे नाश्ता नहीं करते, पराठा नहीं खाते, जो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे नाश्ता भी करेंगे और ये स्लाइस भी खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 2 मिनट इधर से भी तल लेना और 2 मिनट के बाद फिर इसको ऐसे पलट लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक तरफ से कितना प्यारा हो, कलर भी आ गया, सीख गया। और दूसरी तरफ ऐसे तल लेना। अब इसको इस तरह करके थोड़ा सा ऐसे इसकी साइड, ये भी इसी तरह दूसरी साइड से भी, ये बिल्कुल अब पक के तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, डन है। इसे जब पिज़्ज़ा कटर से आप इसको कट सकते हैं। माशाल्लाह बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, अपने बच्चों को बना के दे, ये बड़े मज़े के बनते हैं, हेल्दी होते हैं। अंडा डाला है, वो भी पूरी प्रोटीन है, ब्रेड है, दूध है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क्या खाना देखो तो दुआ मांगो। अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 अगस्त है, दुआ मांगते हैं अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें नेक हुक्मरान अता फरमाए, जो अल्लाह ताला का हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लेके चले। आमीन सुम्मा।